एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि एज कम्पेयर्ड टू क्या है, यानी हमें स्पोकन इंग्लिश में कब बोलना चाहिए एज कम्पेयर्ड टू। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। एज कम्पेयर्ड टू का मतलब होता है की तुलना में। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुंबई दिल्ली की तुलना में बड़ा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मुंबई इज बिगर एज कम्पेयर टू दिल्ली, यानी मुंबई दिल्ली की तुलना में बड़ा है। अगर आपको कहना हो इस ट्रिक की तुलना में वो ट्रिक अच्छा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट ट्रिक इज बेटर एज कम्पेयर टू दिस ट्रिक, यानी इस ट्रिक की तुलना में वो ट्रिक अच्छा है। अगर आपको कहना हो इस मोबाइल की तुलना में वह मोबाइल सस्ता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट मोबाइल इज चीपर एज कम्पेयर टू दिस मोबाइल, यानी इस मोबाइल की तुलना में वह मोबाइल सस्ता है। अगर आपको कहना हो हिंदी की तुलना में इंग्लिश आसान है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इंग्लिश इज इजियर एज कम्पेयर टू हिंदी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि एज कम्पेयर टू का मतलब होता है की तुलना में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।